आज सदन में जब अशोक चव्हाण जी ने सीएए के बारे में उद्गार निकाले, उन्होंने कुछ भाष्य किया, तो उनको रोकने की कोशिश बीजेपी वालों ने की। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कानून जब जनता के न्यायालय में जाता है और जनता जब उसके बारे में बात करने लगती है, तो जनता का, अब मेरे ही बारे में पूछो तो 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं यहाँ पे आके उनकी बातें रखने के लिए ही यहाँ पे आता हूँ। मैंने ये स्पष्ट रूप में कहा कि इस कानून के बारे में मेरे दिल में कुछ शिकायतें हैं, कुछ संभ्रम है। मैंने कहते हुए कहा कि मैं समाज से आता हूँ, वो समाज वंजारी समाज है जो कन्ना तोड़ने के लिए हजारों मील जाता है, उसी खेती में रहता है, बसता है, बच्चे भी वही पैदा होते हैं, कहीं भी कोई भी दाखिला उनके हाथ में नहीं होता है। ये मेरा एक समाज हुआ। इस भारत में ऐसे 6700 समाज है जिनका घर नहीं, जिनके पास कोई हमेशा के वास्तव्य के लिए कोई जगह नहीं है, जो खेती में, पहाड़ों में, रास्ते पर रहते हैं, वो दाखिले कहाँ से लाएंगे? तो ये कानून अगर बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं, ये कानून उस हर गरीब आदमी के लिए है जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुरक्षित कर दिया था, जिसको नागरिक बना दिया था, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाला मेरा आदिवासी हो, चाहे वो वंजारी हो, बंजारा हो, जिनको घर का आता पता नहीं वो कहाँ से लाएंगे? तो ये कानून के बारे में बात करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम वो दलित, हम वो पिछड़े, हम वो शोषित, हम वो घूमने वालों लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। ये लड़ाई मलबार हिल पर रहने वाले 60 माले के अमीर सी गढ़चिरौली के किसी पाड़े पे, तांडे पे रहने वाले गरीब आदमी के साथ शुरू हुई है। हमारी मिट्टी जहाँ पे हमारे बाप दादाओं की मिट्टी हुई है, उनका मृतदेह जहाँ पे दफन हुआ है, जहाँ पे जला है, वो मिट्टी मेरी नागरिकत्व की पहचान है। हम किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए हैं, हम ना तो सर्टिफिकेट देंगे ना ही उनको ये बताएंगे कि हम कौन है। ये भारत जितना उनका है उतना ही मेरा है, ये कहने के लिए ये सभा में आए हैं।